नगर चौक से दीपक नगर मुख्य मार्ग के रूप में टायर चौक से बाबा बालकनाथ मंदिर तक के इलाके के रास्ते की समस्या के चलते पिछले 15 साल से इस इलाके के लोग और परिवहन करने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। रास्ते की समस्या को लेकर लोगों ने कई बार नगर निगम और इलाके के नगर सेविका को निवेदन पत्र लिखा है। नागपुर में रास्ते की समस्या के चलते लोग काफी परेशान हैं। वैसे ही कामगार नगर चौक से दीपक नगर मुख्य मार्ग के रूप में टायर चौक से बाबा बालकनाथ मंदिर से रिंग रोड तक मुनानक कर्मगिरी कॉलेज से दीपक नगर चौक से कुहावर बाजार तक एक बधिर स्कूल के लिए WC2 रोड कबीर नगर चौक तेगिया कॉलोनी गुरु नानक का पिछला हिस्सा कॉलेज टायर वाला चौक दीक्षित नगर कॉलोनी चौक से मानस मंदिर चौक से मयूर नगर बाबा दीप सिंह नगर कंपनी चौक रोड त्रिभुवन हाउसिंग सोसाइटी KGNS सम्राट अशोक कॉलोनी नीलगिरी परिमेर बाबा बालकनाथ मंदिर दलित नंबर 12 भाई कॉलोनी दीपक नगर एल समर्थ नगर मयूर नगर कामगार नगर राजगृह नगर इन इलाकों के रास्ते को लेकर पिछले 15 सालों से स्कूल के बच्चे इलाके के लोग परिवहन करने वाले लोग काफी परेशान है। इस समस्या की वजह से लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ रहा है। लोगों ने रास्ते की समस्या के चलते नगर निगम नगर सेविका और कई सारे मंत्रियों को निवेदन किया है, पर पिछले 15 साल से इस इलाके की हालत आज भी वैसे की वैसे ही है। इस मामले में किसी ने भी कोई काम नहीं किया है। बारिश में इन इलाकों में कई सारे रोड हादसे की घटनाएं सामने आती है। लोगों ने सरकार से भी इस मामले में गुंजारिश की है। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं मेरे पीड़ित जनता की ओर से आपका शुक्रगुजार हूँ, जो कि सच्चा पत्रकार ये पानी हवा धुन और कुछ भी रहेगा तो भी आते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 15 साल से पीड़ित जनता है इधर की, दीपक नगर से लेकर तिगिया कॉलोनी बाबा बालकनाथ मंदिर से लेकर सम्राट अशोक नगर स्कूल के बच्चे से लेकर, तो काम करने वाले लोग यहाँ से जाते आते रहते हैं। पिछली 15 साल से आमदार नितिन राउत से लेकर नितिन गडकरी साहब तक के पत्र व्यवहार हुआ, और शासन प्रशासन NIT और कॉरपोरेशन इनको भी दिया गया है, पत्र व्यवहार हुआ है। ये NIT के कंट्रोल में ये एरिया आता है, और हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता को पकड़ के हाईकोर्ट में लिटिगेशन डाली थी, तो वह पिछले महीने में वो खारिज हो गई थी कि भाई ये रोड किसके है ये आप बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम आपकी ये याचिका जो है वो खारिज कर रहे हैं, और आपको फिर से जिन लोगों की ये रोड है, जिस डिपार्टमेंट के ये रोड है, ये रोडों के ऊपर में उनके अख्तियार में जो आती है उनको फिर से एक अपील की जाए करके न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने हमको दिशा निर्देश दिया है। तो हमने अभी वही दिशा निर्देश को देखते हुए उसकी जेरोक्स कॉपी माननीय नितिन गडकरी साहब, नितिन राउत और NID के सभापति और महानगर पालिका के आयुक्त और जिला कलेक्टर को उसके निवेदन की कॉपी दे दी है। पिछले कुछ दिनों में यह रोड की मेजरमेंट लेके गए हैं, अब क्या करते हैं नहीं मालूम। हम तो कोशिश ही कर रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, और कल की बात बता रहा हूँ, लेटेस्ट है, कल एक भाई गर्भवती थी, वो टेम्पो से जा रही थी दवाखाने में, लेकिन वो टेम्पो के गड्ढों के कारण वो टेम्पो में अपनी बच्चों को जन्म दी। ये आपको बताते हैं, और सवेरे से शाम तक के कितने लोग गिरते रहते हैं यहाँ से, और कई जख्मी होते रहते हैं, यहाँ से लेके जाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। मैं आपको इतना बड़ा मंच बता सकता हूँ, गिनती के हिसाब से मेरे पास में कम से कम 25-30 कंप्लेंट होंगी, उसके जवाब भी नहीं देते लोग। तो क्या हम लोगों ने इनको ऐसे ही चुन के दिए क्या, क्या हमारे ऊपर में इतनी कौन सी नाराजगी है? इन लोगों ने ये काम करना चाहिए, शासन प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, मैं ऐसी विनंती कर सकता हूँ। नमस्कार, मैं भागवत यादव दीपक नगर में रहता हूँ, और यहाँ की 25 बार हम कंप्लेंट दे चुके हैं, कारपोरेटर को दे चुके हैं, सबको दे चुके हैं। कारपोरेटर बोलते हमारे हाथ में नहीं है, आमदार खासदार बोलते हमारे हाथ में नहीं है। ये रोड के ये इतनी बुरी पोजीशन है कि एक एक फिट के गड्ढे पड़े हुए हैं मेन रोड के ऊपर, रोड दिनों रात चलता है, चोरियाँ चमारी इतनी बढ़ चुकी है, पुलिस की गाड़ियाँ भी आती तो चोरों को पकड़ नहीं पाती हैं। इसलिए प्रशासन से हमारा कहना है कि रोड का ज़रा जल्दी से जल्दी काम किया जाए, और धूप काले में देखो तो मिट्टी इतनी उड़ती है कि घरों के अंदर मिट्टी जाती है, बरसात में क्या बोलते हैं कीचड़ उड़ता है लोगों पे। हमारा मस्याला गुरुद्वारा है, बहुत फेमस है, यहाँ संगत आती है तो लोगों पे कीचड़ उड़ता है, कीचड़ उड़ने से मोटरसाइकिलें जाती, कारें जाती, स्पीड से भगाते लोग, कीचड़ उड़ के जाता है, और अगर किसी को बोले तो उससे झगड़े होते हैं। इसलिए प्रशासन से हमारी यही विनती है कि हमारे रोड का जल्दी से जल्दी काम किया जाए। तन मौर्य है, पिछले 2.5 साल से जो यहाँ सरकार थी वो तो हमारी सुनी नहीं, अभी जो सरकार आई है चुनकर, हम इनसे उम्मीद करते हैं कम से कम हमारी बातों की सुनवाई और हमारी मांगें पूरी की जाए,
और ये रोड की जो हालत है इसे देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ और बताने की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी वीडियो मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दिखा दें, खुद ही अपने आप समझ में आएगा वो देखने के बाद कि मतलब रोड की क्या परिस्थिति है। और बाकी तो भाई साहब ने सबने बताया है कि यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होते ही रहता है, कोई गिरते रहता है और हम लोग सब उसको सहयोग करते रहते उठाने के लिए। मेन तो यही रोड का ही है, रोड है, लाइट है और चोरियाँ तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये यहाँ कबाड़ी वगैरह है सब, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, रात भर चोरियाँ होती है। यहाँ से तो 2-3 बार कंप्लेंट हो गई, हम लोगों ने खुद पकड़ के चोरों को पुलिस स्टेशन में दिया है, यहाँ पे बुला के उनको पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से मतलब चोरों के पीछे अगर गई, हम लोग भी कभी कई बार उनको दौड़े उनके पीछे, लेकिन रोड की परिस्थिति की वजह से हम लोग उनको पकड़ नहीं पाते, बहुत स्पीडली वो लोग इधर उधर से कट मार के निकल जाते हैं। और ये जो है हाल आप देखिए, बिल्कुल एक बार घुमाइए, देखिए गाड़ी निकल रही है, क्या परिस्थिति है यहाँ पे। वीकेबी न्यूज़ के लिए रोशन बोकड़े के साथ लीना कटरे की रिपोर्ट।